गोद में, माँ की गंगा की गोद में ये बायो टॉयलेट हम बनारस के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और तब तक इसका जोर पुरजोर विरोध किया जाएगा जब तक इसे हटाया नहीं जा सकता। गंगा घाट पर प्रशासन ने उतारा चलता फिरता बायो टॉयलेट, सपाइयों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। माँ गंगा में चलता फिरता टॉयलेट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सपाइयों की मांग, गंगा के दूसरे किनारे पर लगे टॉयलेट। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में गंगा स्वच्छ रखने के लिए चलता फिरता बायो टॉयलेट लगाया गया जो एक बोर्ड की शक्ल में है। गंगा में टॉयलेट उतारने पर वाराणसी में विरोध शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाई के कार्यकर्ताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया है। गंगा तट पर सपा कार्यकर्ताओं ने इसका मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया और कहा कि मां समान गंगा में चलता फिरता टॉयलेट बर्दाश्त नहीं होगा, इसे हटाया नहीं गया तो यह आंदोलन और भी तेज होगा। मैं किशन दीक्षित, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज यहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन क्यों हुआ? हम सभी बनारस के नौजवान आज माँ गंगा के तट पर उपस्थित हुए हैं और माँ गंगा हिंदू धर्म की बहुत बड़ी आस्था है जो धर्म का प्रतीक माना जाता है। ये केवल नदी नहीं है और नदी समझकर ये शासन प्रशासन द्वारा जो आज गंगा माँ में बायो टॉयलेट उतारा गया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक माँ गंगा की गोद से इस बायो टॉयलेट को हटाया नहीं जा सकता। निश्चित तौर से ये अच्छा कार्य है लेकिन इसी बायो टॉयलेट को आप गंगा घाट पर रखा जा सकता है, उस पार रखा जा सकता है जनता की सुविधा के लिए, लेकिन माँ के गोद में, माँ की गंगा की गोद में ये बायो टॉयलेट हम बनारस के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और तब तक इसका जोर पुरजोर विरोध किया जाएगा जब तक इसे हटाया नहीं जा सकता। गंगा में छोड़े गए बायो टॉयलेट का विरोध करने के लिए सपाइयों ने काली पट्टी बांधकर और हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि प्रशासन ने इसे गंगा नदी के ऊपर लगाया है। गंगा नदी की सफाई के लिए बायो टॉयलेट लगाया गया है जिससे गंगा घाट को गंदगी से बचाया जा सके। गंगा घाट पर बायो टॉयलेट उतारने का पहले नाविकों ने भी विरोध किया था, इसके बाद सपाएं भी इस आंदोलन में उतर आए हैं। दरअसल गंगा आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं जिससे गंगा घाट पर गंदगी बढ़ जाती है, लेकिन बायो टॉयलेट को गंगा में उतारे जाने वाली जगह को लेकर विरोध हो रहा है और आंदोलन किया जा रहा है।